वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, ओके, वेरी गुड इवनिंग, ओके। तो आज इस सीरीज का मैं जो नाम दिया हूँ यूपीएससी प्रीलिम बूस्टर सीरीज एंड ओके प्लीज वेट, ओके। और ये जो सीरीज है 2020 उसके लिए मैं स्टार्ट किया हूँ, ओके। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, सभी स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, ओके ओके, वेरी गुड दृष्टि सिखा, ओके हेलो, वेरी गुड इवनिंग, नाइस एक्सपीरियंस, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला सबको। 26 स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, ओके ओके ओके, वेरी गुड। चलिए हम लोग देखते हैं, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। आज आप लोगों को क्या करने है, क्विज देने हैं, 10 PM क्विज हैं ये 10, इसका नाम है 10 PM क्विज, ओके। और आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। अब आपको जवाब देने हैं, ओके। अब आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहे हैं, हु इज द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप, जवाब देंगे, आंसर बताएंगे प्लीज, करेक्ट आंसर। सबसे पहले रेशम, ओके, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, टेल मी द आंसर क्वेश्चन क्विक। रॉबर्ट, ये फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड, थर्ड, कौन सा होगा? वाओ ग्रेट, यस वेरी गुड स्वाति, ओके ओके वेरी गुड। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेविड मालपास। ये जो है इट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और ये अभी वर्ल्ड बैंक जो ग्रुप हैं उसके ये करंट प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, ये उसके प्रेसिडेंट हैं। अब इसके बारे में थोड़ा देख ले कि सबसे पहली बात अगर जानते हैं कि द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप इज डेविड मालपास, ये है, और ये 13th नंबर प्रेसिडेंट है। आप इसको नोट डाउन करेंगे, ये तो 13th, ये 13th नंबर प्रेसिडेंट है वर्ल्ड बैंक ग्रुप के। और ही वॉज सेलेक्टेड बाई द बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप इन अप्रैल 2019। मतलब ये अप्रैल 2019 से अभी तक कार्यकाल में है, ओके। याद रखेंगे ये, यहाँ पे दो चीज़ इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप के जो हेड कौन हैं, तो आप याद रखेंगे, लिख लेंगे इसको, डेविड मालपास, ये जो मैंने लिखा, और ये 13th प्रेसिडेंट हैं वर्ल्ड बैंक के, याद रखेंगे, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ओके वेरी गुड वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यू ऑल आर वेरी एक्साइटेड, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आ गया यही वर्ल्ड बैंक से, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओके आंसर बताएंगे इस क्वेश्चन का, आंसर क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। मतलब वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर में कौन कौन से डिपार्टमेंट आते हैं, ये कौन कौन से उसके पार्ट हैं आपको बताने हैं। फर्स्ट, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल फिनांस कॉरपोरेशन, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसमें से बताने कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हैं, प्लीज पिक करेंगे, ओके। बहुत का आंसर ऑप्शन नंबर 4 आ रहा, ध्यान से बनाएंगे आप क्वेश्चन को, ये यूपीएससी टाइप से आप लोग का प्रीलिम बूस्टर सीरीज है, काफी आराम से बनाएंगे, क्या होगा इसका आंसर, करेक्ट आंसर, ओके। प्रियंका का डी आ रहा, ओके। जगत ज्योति, ओके, ऑल ऑल, अच्छा ओके ऑल, अब ओके कुछ सेकेंड और मिलेंगे आपको, सभी स्टूडेंट के जवाब देने हैं, ओके मृत्युंजय डी, ओके। अब मैं आपको ये बता दूं कि आपको ये जानने है कि वर्ल्ड बैंक के अंदर में 5 डिपार्टमेंट 5 इसके कंस्टिट्यूशन, इसके 5 इम्पोर्टेंट बॉडी होते हैं, ठीक है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर में 5 इम्पोर्टेंट बॉडी होते हैं। वो बॉडी कौन कौन से हैं, सबसे पहली बात ये IBRD हैं, इसको बोलेंगे IBRD, मैं आपको नीचे की स्लाइड में बताऊंगा कौन कौन से हैं। और इंटरनेशनल फिनांस कॉरपोरेशन ये भी हैं, इंटरनेशनल IDA जो हैं ये भी हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसके नहीं हैं। आपको पता है कि वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों अलग अलग, यहाँ पे दोनों अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, ध्यान देने हैं यहाँ पे। तो इसका आप डी आंसर क्यों लोगे, डी अगर यहाँ पे 4th अगर नहीं होगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पार्ट नहीं होगा, तो रिमेनिंग क्या होगा, 1, 2 एंड 3, तो 1, 2 एंड 3 व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन राइट नाउ टिल। अब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। अब इसके बारे में हम सबसे पहले देखते हैं कि वर्ल्ड बैंक गलती क्यों हुआ था, मैं बता दूं आप लोग को, बहुत स्टूडेंट सही भी बताएं इसके, ओके बिल्कुल।
तो यहाँ पे देखिए वर्ल्ड बैंक जो ग्रुप है, वर्ल्ड बैंक के बारे में समझते हैं कि द वर्ल्ड बैंक ग्रुप इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोर्सेज ऑफ फंडिंग एंड नॉलेज फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। अब इसके अंतर्गत 5 डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट है IBRD, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IDA, द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ये आप नोट डाउन कर लेंगे प्लीज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेंगे। IFC, द इंटरनेशनल फिनांस कॉरपोरेशन। नेक्स्ट है MIGA, द मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। और लास्ट है ICSID, द इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वर्ल्ड बैंक में कितने, मतलब इसके कितने अंग हैं, कितने डिपार्टमेंट हैं ना, टोटल डिपार्टमेंट कितने हैं, 5 डिपार्टमेंट हैं। आपको समझ में आ रहा है ये 5 डिपार्टमेंट। तो अब यहाँ पे 5 डिपार्टमेंट, अगर पीछे वाला क्वेश्चन में देखे आप लोगों ने जो गलती किया था, तो आपको मैं पता, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड इसके डिपार्टमेंट नहीं है, और वर्ल्ड बैंक अलग हैं और IMF दोनों अलग हैं, दोनों इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, लेकिन बोथ आर डिफरेंट। गलती कभी नहीं करना, ओके, वेरी गुड, ये समझ में आ गया, आप इसको नोट डाउन करेंगे। वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बारे में, वर्ल्ड बैंक ग्रुप में 5 इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, IBRD, IDA, IFC, MIG एंड ICSID, ओके, क्लियर है, हम आगे बढ़े, ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जो रिसेंट न्यूज है, आपको पता होगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम से इसको बहुत पुकारते हैं, न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हम लोग बोल सकते हैं। उसमें 10+2 सिस्टम टू बी रिप्लेस बाय न्यू करिकुलम स्ट्रक्चर, व्हाट इज अ न्यू करिकुलम स्ट्रक्चर, प्लीज बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर बताइए, आंसर करेक्ट आंसर क्या है, व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, प्लीज टेल द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्विक, ओके ओके ओके, वेरी गुड। मैं यहाँ पे कुछ टाइम दूंगा आप लोग को, और ये आज से क्यूज रेगुलर चलेंगे यहाँ पे, ओके वेरी गुड। बहुत सारे का आंसर बी भी आ रहे हैं, किसी की डी भी आ रहे हैं, ओके वेरी गुड। सॉरी, देखिए इसका करेक्ट आंसर अब मैं बता दूं आपको, वेरी गुड जगत ज्योति प्रकाश पत्रा, ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये करेंट अफेयर्स का मैंने यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया है, इसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड जान ले, ओके विदुषी भारद्वाज, वेरी गुड। अब इसका देखिए सबसे करेक्ट आंसर इसका बी है, बी द करेक्ट आंसर, जिनका जिनका बी आया 5+3+3+4, मतलब 5+3+3+4 आखिर होता क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं सबसे पहली बात। तो देखिए ये जो सबसे पहले ये बोला गया कि 10+2 जो स्ट्रक्चर था उसको रिप्लेस करके न्यू करिकुलम स्ट्रक्चर लाया गया, ये करंट अफेयर्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं बता दूं कि देखिए NEP, मतलब ये जो न्यू जो एजुकेशन पॉलिसी जो आया है वो 10+2 सिस्टम को रिप्लेस कर दिया है, उसके बदले 5+3+3+4। आप बोलेंगे सर ये 5+3+3+4 आखिर क्या है सर, ओके वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पे देखिए 3-8, ये जो दिख रहा है आपको 3-8, 8-11, 11-14 एंड 14-18, यही इसका फंडा। अब ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ये जो है एग्जिस्टिंग एकेडमिक स्ट्रक्चर था, अभी जो भी यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे ये लाइव अभी सेशन देख रहे हैं वो सब 10+2 सिस्टम को हम लोग पास किए हैं, लेकिन अब जो न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर है उसमें देखिए क्या है उसके बारे में बता दें। सबसे पहले यहाँ पर दिख रहा होगा, थोड़ा सा ध्यान देंगे, 2N+3, ये हम यहाँ पे कलर चेंज कर ले, ओके आपको दिखेंगे अब सॉरी यहाँ पे देखिए 2N3, मतलब 5 ईयर्स का यहाँ पे फाउंडेशनल होगा स्ट्रक्चर में, देखिए 5 ईयर्स जो फाउंडेशनल स्टेज होंगे जिसमें प्ले एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होंगे, उसके बाद 3 ईयर्स मतलब 5+3 जो होंगे इससे ऊपर के लेवल होंगे जिसमें कुछ डिस्कवरी एक्टिविटी बेस्ड इंटरेक्टिव क्लासरूम लर्निंग होंगे। मतलब ये स्ट्रक्चर पहले क्या होते थे कि 10 ईयर्स मतलब 1 क्लास में फर्स्ट क्लास से लेकर 10 में बोर्ड हम लोग पास किए, बोर्ड के पास फिर 2 ईयर्स का 10+2 हो गया, तो मतलब ये जो स्ट्रक्चर होता था एग्जिस्टिंग उसको चेंज कर दिया गया, अब नया स्ट्रक्चर लाया गया जिसमें क्या है पहले 3+2 ईयर्स मतलब टोटल यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको 5 ईयर्स, फिर देखिए 3 ईयर्स यहाँ पे ये 3 ईयर्स होंगे, फिर 3 ईयर्स, 3 ईयर्स जो होंगे ये जो नेक्स्ट होंगे क्लास 6-8, मतलब 3-5 पहले तो फाउंडेशनल हो गए, उसके बाद 3 ईयर्स में मतलब 3-5 क्लास, उसके 5 के बाद कोई अगर 6-8 क्लास में जाता है
मतलब 6 से लेकर 8 क्लास जो आएंगे बीच के उसको बोलेंगे मिडिल, जिसका नाम एक्सपेरिमेंटल। इसमें क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग इन द साइंसेज, मैथमेटिक्स, आर्ट्स, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज, इसके बारे में हम लोग पढ़ाई करते हैं। और उसके बाद जो 4 ईयर्स है उसमें हम लोग क्या करते हैं, सेकेंडरी स्टेज है मल्टी डिसिप्लिनरी, इसमें आपको अपने अनुसार सब्जेक्ट चुनने का यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है। और ये जो है ग्रेटर क्रिटिकल थिंकिंग, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टूडेंट चॉइस ऑफ सब्जेक्ट, ओके सॉरी। तो यहाँ पे सबसे पहली बात हम देख रहे हैं कि यहाँ पे देखिए 5 हो गया, 3 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर प्लस 4 हो गया, मतलब देखिए कितना फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर बना दिया गया न्यू में, ठीक है। तो आपको मैं यहाँ पे बता दूँ कि एग्जिस्टिंग एकेडमिक स्ट्रक्चर को नए एकेडमिक स्ट्रक्चर में बदलने के लिए यहाँ पे जो लाया गया 5+3+3+4, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। और इसका आंसर हम लोग देंगे, देखिए इसका आंसर आएगा बी। और मैंने क्वेश्चन के आपके सामने दिया था कि इन न्यू NEP एजुकेशन पॉलिसी 2020 द करेंट 10+2 स्ट्रक्चर टू बी रिप्लेस्ड बाय ए न्यू करिकुलम स्ट्रक्चर। तो न्यू करिकुलम स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा इसका, 5+3+3+4, समझ में आ गई बात, ओके वेरी गुड। अब ये देखिए आपका यहाँ पे करेंट अफेयर्स यहाँ पे रेडी हो गया और ये आपको समझ में इस पिक्चर से आ भी जाएगा। अब इसी बेस्ट पे हम थोड़ा सा एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। ये देखिए मैं इसका टेस्ट लूँगा आगे, जब टेस्ट लूँगा तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में बता दूँ कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ न्यूली कंस्टिट्यूटेड ड्राफ्टिंग NEP 2020 इन जून 2017। मतलब यहाँ पे जून 2017 पे कंफ्यूज नहीं करना, लेकिन ये जो पॉलिसी नया जो लाया गया है उसके चेयरमैन कौन है यहाँ पे बताना है, या कौन कमेटी इसको रिकमेंड किए थे, किनके द्वारा ये रिपोर्ट बनाया गया था, प्लीज़ बताएंगे कौन से कमेटी। यहाँ पे कमेटी भी आप याद रख सकते हैं, या और ये बताइएगा अभी चेयरमैन कौन है इसके, कौन चेयरमैन थे जो यहाँ पे रिपोर्ट बनाए थे, जिनके द्वारा रिपोर्ट और रिकमेंड किया गया था NEP 2020, बताएंगे। यहाँ पे ऑप्शन है 1st, 2nd, 3rd, 4th, इसमें से एक चुनेंगे। वाव ग्रेट ग्रेट अमेजिंग रूबी मैम, ओके अंजलि, ओके प्रियंका दीपा, ओके प्रियंका, ओके प्रियंका बाडू, ओके एकनाथ, श्वेता, निरंजन, ओके सभी का आंसर बी आ रहा है। और आप लोग का आंसर आ रहा था बिल्कुल, आप लोग के मैं साथ हूँ, डॉक्टर दे कस्तूरी रंजन, ये जो इसके अभी जो है चेयरमैन रह चुके हैं, मतलब ये ड्राफ्टिंग कमेटी और साथ ही साथ सॉरी मतलब कमेटी ये जो रिकमेंड किया गया था, मतलब सबसे पहले मैं ये आपके इसके बारे में बता दूँ कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020, ये जो इसके जो कमेटी थे जिन्होंने ये रिकमेंड किया था, तो उसके जो कमेटी के जो हेड थे उनका नाम था डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि किस कमेटी के द्वारा ये ड्राफ्टिंग कमेटी जो तैयार किया गया, रिपोर्ट दिया गया था, इसका आंसर होगा बी, ऑप्शन नंबर बी, ओके। अब देखिए मैंने यहाँ पे बताया भी है कि कमेटी फॉर द ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वाज कंस्टिट्यूटेड इन जून 2017, ये जब कब बनाया गया था, 2017 में बनाया गया था, ठीक है। अब चेयरमैन जो थे साइंटिस्ट डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जो थे, उन्होंने ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का तैयार किया और HRD मिनिस्टर को उन्होंने सौंप दिया, कब, 31 मई 2019 को, ओके। ये याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये इनका नाम जरूर याद रखेंगे, पूछा जा सकता है, ठीक है। आपने यहाँ पे देखा न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में देख लिया आपको आपने, ओके। अब हम आगे यहाँ पे क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है यहीं से। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन यहाँ पे दिया कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। अब देखिए NRA के बारे में पूछा गया, ये हाल ही में लास्ट वीक का ये न्यूज है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है। अब ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक मिनट, ओके मैं यहाँ अब आपको अच्छे से दिखेगा, ओके ओके। अब आप इसका आंसर बताएंगे कि करेक्ट आंसर कौन है इसका, करेक्ट आंसर बताएंगे साहिबजादा, एट द रेट, यस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एट द रेट, सतपाल, यस सर, ज्योति त्यागी, ओके ओके ज्योति त्यागी, वाई बाई, ओके रेशम। अब ये क्वेश्चन देखिए, सबसे पहली बात ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट, करेंट न्यूज अभी है, करेंट न्यूज को मैंने यहाँ पे फ्रेम करके क्वेश्चन दिया, इसका आंसर बताएंगे व्हाट इज द करेक्ट आंसर, प्लीज पिक आउट द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नीरज का आंसर है सी, सतपाल, ओके, साहिबजादा ए, ओके
मैं कुछ दूर यहाँ पे टाइम दूंगा, आप इसको आराम से केयरफुली पढ़ना, उसके बाद इसका जवाब देना कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ओके, आपको इसके बारे में बेसिक पता होगा। ओके, आंसर बताएंगे इसका। वेरी गुड, डी करेक्ट आंसर। किन्हीं का डी आ रहा, किन्हीं का सी आ रहा। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कहाँ पे गलती हो रहा है। ओके, वेरी गुड। ओके, सबसे पहले अब हम इसको बताते हैं। आप लोग में से बहुत सारे स्टूडेंट ने जवाब दे चुका, अब मैं देखता हूँ किनका करेक्ट आंसर है। अब देखिए, सबसे पहले मैं इसके बारे में समझा दूँ कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NRA, ये अभी हाल ही में एक एजेंसी का मतलब चैनलाइज किया गया, एक एजेंसी को बनाया गया है, जिसमें जैसे देखिए तीन ऑर्गेनाइजेशन, जैसे SSC, RRB मतलब रेलवेज वाले, एंड IBPS, ना तीन ऑर्गेनाइजेशन को इकट्ठा करके एक अच्छा सा चैनल बनाया गया है, जिसका एक चैनल पे एक मतलब ऑर्गेनाइजिंग मतलब एजेंसी होगी, जिसका नाम है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ये इसका सभी का प्रिलिमिनरी जो भी शॉर्ट लिस्ट होंगे वो एग्जाम लेंगे। अब देखिए, सबसे पहली बात मैं बता दूं कि इसका जो वन है, फर्स्ट बता रहा कि NRA मतलब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एन इंडिपेंडेंट बॉडी टू बी सेटअप एज ए सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट। अब मैं बता दूं, इस टाइप का कभी भी ऑप्शन नहीं था, जनरली वो सही होता है, करेक्ट होता है। तो यहाँ पे ये करेक्ट वैसे भी है, क्योंकि आपको पता हो कि इंडिपेंडेंट बॉडी है। ये क्या इंडिपेंडेंट बॉडी होगा, ये अलग अपना रेगुलेटिंग बॉडी होगा। लेकिन और साथ ही साथ दिया है, इट विल कंडक्ट द कॉमन एलिबिलिटी टेस्ट CET, यस वेरी गुड, फॉर नॉन गजेटेड पोस्ट। बिल्कुल, ये गजेटेड पोस्ट के लिए नहीं, सिविल सर्विस के लिए भी नहीं बात कर रहा हूँ। ये यहाँ पे SSC वगैरह जो आ गए, रेलवे आ गए, और IBPS बैंक, ये जितने भी बैंक जितने भी एग्जाम होंगे ये तीनों डिपार्टमेंट के, वो सभी कंडक्ट CET करवाएगा, जिसके हेड होंगे, रेगुलेटिंग होंगे नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, ध्यान देंगे। लेकिन ये जो बोला गया 22 शेड्यूल लैंग्वेज, ये यहाँ पे सही नहीं है। अब पहले सबसे पहली बात हम इसका करेक्ट आपको बता दूं, इसका ए आंसर होगा, लेकिन बताता हूँ। देखिए, पहले मैं यहाँ पे टिक भी कर दूं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। 1 और 2 मतलब थर्ड ऑप्शन इसका नहीं होगा, फर्स्ट ऑप्शन और सेकेंड ऑप्शन होगा। लेकिन अभी हम आपके इस आपको इसके बारे में मैं समझा दूं अच्छे से। देखिए, होता क्या है कि देखिए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो अभी हाल ही में कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किया गया है, इसका सेटअप किया गया, सेटिंग अप बाय द कैबिनेट। अब देखिए, इट वाज इंडिपेंडेंट बॉडी, ये क्या इंडिपेंडेंट बॉडी है, ठीक है, आपको यहाँ तक पता है। अभी एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि पहला कौन सा फर्स्ट स्टेट है, ये आज का न्यूज है, कौन सा फर्स्ट स्टेट है जो CET को अप्रूव कर दिया, सबसे फर्स्ट स्टेट, सबसे पहला स्टेट जिन्होंने CET मतलब ये नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को क्या किया, अप्रूव कर दिया, उसका नाम है मध्य प्रदेश, MP, याद रखिएगा, MP पहला स्टेट बन गया है जिन्होंने कॉमन एलिबिलिटी टेस्ट को क्या किया, अपने स्टेट में अप्रूव कर दिया, ठीक है। ये देखिए, अब साथ ही साथ मैंने जहाँ तक बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस एंड डिपार्टमेंट ऑफ फिनांशियल सर्विस, जिसमें SSC के एग्जाम होंगे, RRB मतलब ये RRB बैंक का, रीजनल रूरल बैंक की नहीं बात करता हूँ मैं, रेलवे की बात करूँ, रेलवे वाले, IBPS क्या होंगे, बैंक वाले, ये बैंक, रेलवे एंड SSC जितने भी एग्जाम होंगे सभी जो करवाएंगे CET करवाएंगे अब, ठीक है। और ये ईयर में क्या होंगे, 2 times एग्जाम होंगे, ठीक है। और ये जो एग्जाम होंगे वो 12 लैंग्वेज में होंगे, याद रखेंगे 12 लैंग्वेज में। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया, 20, ये गलत हो गया, यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर, 12, ये नोट डाउन कर लेंगे। सबसे पहली बात यहाँ पे नोट क्या क्या करेंगे मैं बता दूं एक बार। देखिए, यहाँ पे एक CET, इसका NRA जो है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो हो गया, उसका जो गठन किया गया, बनाया गया, तो उसमें क्या है, SSC वाले, बैंक वाले और रेलवे वाले जितने भी एग्जाम होंगे अब सिंगल एक कंडक्टिंग बॉडी होंगे, ठीक है, याद रखिएगा। और इसका नाम है कॉमन एलिबिलिटी टेस्ट, और ईयर में ये 2 times एग्जाम होंगे, याद रखिएगा। यहाँ पे 12 लैंग्वेज में एग्जाम होंगे, ओके, ये आपको ध्यान रखने हैं। और इसकी जो एग्जाम में जो स्कोर कार्ड आपको मिलेंगे, स्कोर कार्ड वो जो वैलिड होंगे वो 3 years तक वैलिड होंगे। मैंने इसमें नहीं बताया, मैं आपको नॉलेज के लिए दे दूँ, ये 3 years तक, अगर मान लो आप एक बार एग्ज़ाम दिए और आपने पास कर गया, मतलब क्वालिफाई कर गया, तो आप 3 years तक इसकी वैलिडिटी होगी, याद रखेंगे। और इसमें नंबर ऑफ जो अटेम्प्ट है, आपसे मैं पूछूं कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितने होंगे, नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितनी बार आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो इसका आंसर होगा अनलिमिटेड, मतलब जितनी बार आपके पास जितना एज है उसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर फुलफिल कर रहे हैं तो आप इसको अनलिमिटेड टाइम्स एग्जाम में अपियर हो सकते हैं। तो आपको मैं यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पे ये जो क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पे क्लियर हो गया आप लोग का कि NRA जो है इंडिपेंडेंट बॉडी है, और ये CET ये जो एग्जाम करंट करवाएंगी उसका नाम होगा कॉमन एलिबिलिटी टेस्ट,
और ये 12 ना हो सॉरी 22 ना होकर 12 लैंग्वेज में ये क्या करेंगे एग्ज़ाम कनेक्ट कराएगी। और साथ ही साथ जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसका एग्ज़ाम होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। अभी 115 डिस्ट्रिक्ट को पॉइंट किया गया, याद रखिएगा यहाँ पे ये सब चीज़ आपको याद रखनी है, नोट करते चले जाएंगे। अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं और आज के क्विज का लास्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको बनाना है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से एक और क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं सिविल सर्विस में। अब आपको बताने कि इसमें से कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। क्विक 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 सुरभि, ओके प्रीति, मेघना, दीपा, ओके सौरभ, ओके वेरी गुड। और आप लोग काफ़ी जीनियस, काफ़ी सिंसियर स्टूडेंट हैं, बिल्कुल आंसर दे रहे हैं, ठीक है। क्लास स्टॉप हो गई, क्लास चल रही है, स्टॉप तो नहीं हो रहा ना, ओके ओके मैसेज करेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, आप इसका आंसर बताएंगे, ओके। अब देखिए ये क्वेश्चन का मैं जवाब आपको दूँ, यहाँ पे आपको बहुत सारा चीज़ सीखने को मिलेगा इस क्वेश्चन में, और एक एमसीक्यू से बहुत सारा एमसीक्यू बन जाता है यहाँ पे। सबसे पहले मैं बता दूँ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि मैं यहाँ पे लिखा हूँ, ये क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। और ये जो है ये यूनाइटेड नेशन, अब मैं यहाँ पे सबसे पहले वन बाय वन ऑप्शन को चेक करता हूँ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है और कौन सा सही है। आप लोग का आंसर डी बी आ रहा है, सी बी आ रहा है, मैं कुछ देर रुक जाऊँ क्या, ओके ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। आप लोग जितना एमसीक्यू सॉल्व करेंगे उतना आपका प्रीलिम बूस्टर सीरीज उतना काफ़ी अच्छा होगा, आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे देखता हूँ कि ये यूनाइटेड नेशन का पार्ट है, उसका स्पेशलाइज एजेंसी है, यस है, ये आपको याद रखने। इंडिया जो है इसका फाउंडिंग मेंबर रहा है, इंडिया जो है इसका फाउंडिंग मेंबर है FAO, मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। जो लास्ट है सबसे पहली बात, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, यही गलती है, इसका जिनेवा हेड क्वार्टर नहीं है, FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेड क्वार्टर जिनेवा नहीं है। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर हेड क्वार्टर कहाँ है इसका, हेड क्वार्टर है कहाँ। अगर हेड क्वार्टर पता रहता तो आप इस क्वेश्चन का जवाब सही देते, बहुत सारे बच्चे ने सही जवाब दिया है, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा 1 और 2। अब देखते हैं इसके बारे में, सबसे पहले मैं बता दूं, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस का, ये याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशंस के अंदर में आते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। और सबसे पहली बात, इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है, और यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रख, FAO हैज़ बीन स्टेंथ पार्टनर सिंस 1948, इंडिया जो है 1948 से इसका मेंबर है, ठीक है, मतलब इसका फर्स्ट जब स्टार्ट हुआ था उसी समय इंडिया इसका मेंबर रह चुका है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके दिया जो आपने गलती किया, बहुत सारे बच्चे ने इसका करेक्ट आंसर दिया, थैंक यू सो मच सभी के लिए यहाँ पे, वेरी गुड जिन्होंने यहाँ पे करेक्ट आंसर दिया। और FAO का हेड क्वार्टर रोम इटली में है, याद रखिएगा इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, रोम इटली। आपको यहाँ पे ये सब कुछ क्लियर हो गया। और ये मेरा जो रेगुलर क्यूज है ये आपको मैं बता दूँ, 10 PM जो क्विज है वो रेगुलर चलेगा ना, बस संडे को नहीं चलेगा, और रेगुलर आपको मतलब सब्जेक्ट वाइज जो शेड्यूल है उसके अनुसार चलेगा ना। हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट, कैसा लगा क्विज प्लीज़ मैसेज करेंगे। और जब ये लाइव जब आपको वहाँ पे शो होगा तो आप वहाँ पे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक लिख देंगे कुछ देर बाद, ठीक है। अभी आप लाइव मैसेज करेंगे तो वो अभी नहीं दिखाएगा कुछ, काफ़ी अच्छा सर एक बार 5 सॉल्यूशन दिखा दीजिए, एक बार 5 सॉल्यूशन मतलब दीपांकर आप दोबारा बताएंगे, मैं आपकी बात को समझ पाऊंगा, प्लीज़ बताएंगे, अमेजिंग थैंक यू सो मच दीपांकर आप बताएंगे, वेरी गुड, हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट, आप लोग अच्छे से इंजॉय करें। और रेगुलर ये क्यूज जो आएगा काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, इस तरह से हम नए नए क्यूज यहाँ पर लेते आएंगे, वेरी गुड। आप लोग रात में रिफ्रेश होके इतना MCQ आपका अपना रेगुलर MCQ जितना देंगे उतना प्रीलिम अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा, इसलिए मैं इस सीरीज़ का नाम दिया हूँ प्रीलिम बूस्टर सीरीज। और UPSC में आपको ये सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे जो भी अभी रिसेंट में करेंट अफेयर्स न्यूज हैं वहाँ से मैं क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम कर दूंगा, यहाँ पे GS के क्वेश्चन जो हमेशा आने की संभावना है वहाँ से क्वेश्चन दूंगा, और आप लोग काफ़ी इंजॉय करेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।